सर आपको हम वीडियो दिखा सकते हैं, यहाँ यहाँ तक सर जो है हम लोग पानी में घुस के जाते हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है, पानी भरे अब ना भरे, हम लोगों को जो चपक गई और वो कनकरुजा होता है वो तक चपक गया। कोई हादसा हो जाए, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में, वो हमारा भतीजा है, वो एक बार पानी में गिर गया और पानी में गिर गया, कोई देख नहीं पाया। अब समझ लीजिए हम लोग जो है, हमारी मम्मी ने देखा तब जाके उसको उठाइन। अभी कोई हादसा हो जाता पानी के चक्कर में तो क्या होता, जो सीवर का पानी है गंदगी है, इसकी वजह से बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुखार भी आ रहा, दाने सारे निकल रहे हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ कोई विधायक भी नहीं आए हैं, न पार्षद आए हैं, कोई भाटिया आई थी एक बार देख के चली गई, तब से यहाँ कोई झांकने तक नहीं आया है। निकलना बैठना, बच्चों का स्कूल सब बेकार हो रहा है। अब आदमी ऑफिस कैसे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, फ्रैक्चर पैर में फ्रैक्चर हो जाता, अब जैसे माने पानी भरा है उसमें दिखता है आदमी को, 20-25 हज़ार रुपए लग गए, पैर टूट गया था उनका, हमारे हस्बैंड का, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, उनकी भविष्य का समस्या है। मान्य लेडीज हैं तो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, यहाँ बहुत भैया तकलीफ। और ये सर आपको हम वीडियो दिखा सकते हैं, यहाँ यहाँ तक सर जो है हम लोग पानी में घुस के जाते हैं। दो तीन बार खाली भी हुआ है, ये पड़ोस में रहते हैं, इन्होंने खाली भी करवाया बड़ी कोशिश करके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं। सड़क बनवा ली उनके, जितने अभी देखिए गाजीपुर में गौरभीट में पड़े हैं, उन्होंने सबने अपने जगह वो कर दिया और यहाँ कोई डेवलप नहीं। जब यहाँ जाओ तो पेट्रोल पंप पे कहते हैं तुम्हारी तरफ से खड़ा था उसको तुम लोग ने वोट दिया, हमको कोई वोट नहीं दिया तुमने, और कहते हैं जाओ जो करना कर लो, रोड नहीं बनवा देंगे तुम्हारे। सरकार पैसा तो सबके विकास के लिए पास करती है, वो करती है, लेकिन वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, वो अपनी जमीनों का पैसा बढ़ा रहे हैं, वो अपनी जमीन बनवाते हैं, अपनी जमीन तरफ प्लानिंग बढ़िया अच्छी डाल दिए हैं, और यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, गरीब रहता है। अभी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी रहता होता या नेता मंत्री रहते होते तो उनको पता चलता, अभी यहाँ तो बेचारे गरीब लेबर मजदूर रहते हैं ना, तो वो उनपे ही जोर दिखा सकते हैं, कमजोरों पे। हम लोग खुद कितनी बार यहाँ पे, कितना हम लोग खुद गिरे हैं यहाँ पे पानी में, गाड़ी ले लेके, गाड़ी हमारी टूट गई, बंद हो गई, हम लोग धक्का मार मार के कैसे लेके, हम ही लोग को पता है। एक आदमी तो यहाँ नशे के धुत में गिर गया, वो मर गया, डेथ हो गई है पानी में, पड़े पड़े पूरी रात वो मर गया, तब इतनी प्रॉब्लम, और इतनी लेडीज गई, इतना वो गए सब, जब वो वोट जब उनके पास जाओ तो उनके पास एक ही था कि तुम्हारी तरफ से एक लोग खड़े थे, तुम लोग ने वोट उनको दिया, तो हम नहीं करा सकते तुम्हारी तरफ। ये सब शिविर है, ये शिविर का कनेक्शन यही छूट दिए मोहल्ले में करके, बाहर नहीं ले गए हैं, सब शिविर का पानी यहाँ पूरे एरिया का यहीं पे उतार दिए हैं, ना रोड है बनी, हम लोग यहाँ जब से रह रहे हैं, हाँ जब से हम यहाँ रह रहे हैं हम लोग, तब से यहाँ रोड है, यहाँ विकास हुआ ही नहीं, इतने नेता हो गए, सब हो गए हैं, जगलाल यादव भी हैं, कुछ भी नहीं करवाते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हम रह रहे हैं हम लोग कम से कम हो गए होंगे 12-13 साल से, तब से ऐसा ही पड़ा हुआ है, जहाँ लोग रहते नहीं वहाँ रोडें बन जाती, यहाँ हम लोग पूरे व्यक्त रहते हैं, यहाँ खाली नहीं है, कोई रोड नहीं बनी है। जगलाल कह रहे हैं तुम लोग अरविंद कोर्ट दी हो, लोग अरविंद जाने, अरविंद बेचारा मर गए, वो भी है नहीं, विधायक से नहीं शिकायत की, विधायक के हम लोग अमल में नहीं है, मुलाकात नहीं, नहीं नीरज बोरा आए थे, हम खुद गए थे, गौर भीट आए थे, यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, यहाँ पर नहीं आए, नीरज बोरा इधर नहीं आए। अब बीमारी फैल रही है, कहूँ ना निकास है ना कहूँ कुछ, बच्चे आवत हैं गिर जाते हैं, और बीमार यहाँ, और भैया का हम बताए, नाली साली बने हमारे तो भैया भरते ही रहे, भैया मिला नहीं है। नमस्कार, NBT ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ संदीप तिवारी। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के फजुल्लागंज स्थित श्याम विहार कॉलोनी में, जहां पर करीब 100 से ज़्यादा सुअर मर चुके हैं, वहीं 20 से 25 लोग बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन ना ही स्थानीय पार्षद इनकी सुध लेने आता है और ना ही प्रशासन, साथ ही साथ विधायक तक यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पानी है ये सामान्य पानी नहीं है, बल्कि सीवर का पानी है जो यहाँ कॉलोनी में एकत्रित होता है, यही वजह है कि लोग बीमारी की चपेट में आते हैं। लगातार कई सालों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ना ही प्रशासन किसी भी तरह की सुध ले रहा है और ना ही विधायक और पार्षद। यहाँ तक कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये बंधे के नुमा जो मिट्टी डलाई गई है, ये स्थानीय लोगों ने ही डलाया है और तब इसके कारण यहाँ से निकल पाते हैं।
लोगों का यह आरोप है कि पार्षद के पास जब शिकायत करने जाते हैं तो पार्षद लगातार यही कहते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इस वजह से यहाँ का निर्माण कार्य नहीं होगा। सवाल यह उठता है कि स्थानीय पार्षद जगलाल यादव क्या अपनी पास से पैसे खर्च करके निर्माण कराते हैं या सरकार के पैसे से निर्माण कराते हैं।